एक समय की बात है, एक घने जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का रंग काला था और दूसरी का सफेद। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों हमेशा साथ रहती, साथ खेलती और साथ सोती भी थी। कभी भी दोनों अलग नहीं हुई। एक दिन दोनों बिल्लियों को जंगल में खाना नहीं मिला। दोनों ने बहुत ढूंढा मगर उनके हाथ कुछ ना लगा। फिर काली बिल्ली बोली, दोस्त मुझे लगता है जंगल में खाना नहीं है, हमें शहर में जाके ढूंढना चाहिए। सफेद बिल्ली ने ये सुनकर हाँ कहा, चलो हम शहर में तलाश करते हैं। दोनों शहर की ओर चल पड़ी। फिर अचानक उन्हें एक रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। दोनों ने एक साथ छलांग लगाई। दोनों ने एक दूसरे की ओर गुस्से से देखा। फिर काली बिल्ली बोली, अरे मैंने इसे पहले देखा है, तो मैं ही सारी रोटी खाऊंगी। बिल्कुल नहीं, इसे मैंने पहले देखा है, तो मैं ही इसे खाऊंगी, सफेद बिल्ली बोली। दोनों आपस में तय नहीं कर पा रही थी कि कौन रोटी को खाएगा। दोनों ने सोचा कि इससे पहले कोई और आ जाए, इस रोटी को जंगल ले जाना चाहिए और वहीं जाकर तय करना चाहिए। जब वो दोनों जंगल में वापस आईं, तब भी तय ना कर पाई। दोनों आपस में लड़ झगड़ रही थी मगर तय ना कर सकी। वहीं पर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने दोनों को लड़ते देखा उसने सोचा, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, काश मुझे ये मिल जाए। बंदर ने थोड़ा सोचा और फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने थोड़ी देर उन्हें लड़ते देखा और कुछ देर बाद पेड़ से कूदकर नीचे आया। फिर वो बिल्लियों के पास जाकर बोला, बहनों तुम इतना क्यों लड़ रही हो, मैं तुम्हारे लिए इस रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ। बिल्लियाँ मान गई और रोटी का टुकड़ा बंदर को दे दिया। बंदर ने रोटी को दो हिस्सों में तोड़ा। उसने फिर दोनों को मापा। फिर उसने देखा कि एक टुकड़ा तो दूसरे से बड़ा है। उसने अपने दाएं हाथ में रख के टुकड़े को देखा और कहा, ये टुकड़ा दूसरे से तो थोड़ा बड़ा है। उसने थोड़ा सोचा और फिर उस बड़े हिस्से को तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। बिल्लियां देखती रहीं पर कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपने बाएं हाथ में रखे टुकड़े को देखा, फिर बोला, अरे अब तो ये टुकड़ा दूसरे से बड़ा है। उसने उसमें से बड़ा हिस्सा तोड़ा और वापस अपने मुंह में रख लिया। बिल्लियों ने वापस बंदर को देखा मगर कुछ नहीं बोला। बंदर ऐसे ही रोटी के टुकड़े तोड़ता गया जब तक उसने सारी रोटी खत्म ना कर ली। बिल्लियों ने उसे गुस्से से देखा और घुर्राया। बंदर जोर से हंसा और पेड़ पर वापस चला गया।